एक भी दोषी जरा सच नहीं कटिया गया, एक भी घटने का सच नहीं निकलिया। भंडारे वाले तक उत्थे तक चल जाएगी जाती सी गल, सच्चे सौदे तक साथ तक जाती सी। मैं सच्चाई दसदी हाँ कि SSP ने दसिया कि वह जी गल उत्थे तक पहुँच गई। चिंता इस गल की है कि इहदा मतलब कि सारे पागलों गुरु ग्रंथ साहब ही दिसदा। पता करो भी कौन है, कितों आया, बस जी पागल। हुण पागल जिहड़ा गुटका साहब लैके उत्थे बैठा पाठ कर रहा है तो पागल किदां हो सकदा। जो आस्था का कतल होया होवे ना, दिल दे उत्ते हमला होया होवे, फिर जरिया नहीं जाता। संगतां जिहड़ियां हुण परेशान ही नहीं हो गई, दुखी नहीं हो गई कि रोज़ एक घटना, रोज़ घटना, रोज़ घटना, कोई उहदा रिजल्ट नहीं, कोई सज़ा नहीं किसी नूं, कोई दोषी नहीं फड़िया जाता। तो फिर जो इन्नी संगत दे तुहानूं पता उत्थे ते हज़ारां दी कितनी संगतां हुंदियां, इन्नी भीड़, इन्नी संगत, जदों एकदम सामने दुनिया के सामने हो गया कांड। होम मिनिस्टर कहिंदे सी कि असीं 48 घंटे च पता कर लवांगे, पर हजे तक वह भी दोषी तकलीफ हुंदी है। तकलीफ इस गल दी है कि चलो उस वेले फड़िया, मैं तां कहिंदी ये शुक्र करो गुरु रामदास दे कि सेवादार ने इमीजिएट फड़ के उन्हूं बाहर कर दिता। उत्थे नहीं कोई घटना ऐसी की, देखो कितना जाब्ता रखिया उन्होंने, नहीं तो इन्ने जने सी उत्थे कुट कुट के मार सकते सी, पर नहीं, वो कुछ भी कर सकता सी, उहदे नाल बंब भी वज्जा हो सकता सी, वो ब्लास्ट भी कर सकता सी। जब तक भारत सरकार का उत्ते थापड़ा ना होवे, पंजाब सरकार जिहड़ी है वो इन्नी हिम्मत नहीं कर सकती। इस रल मिल के सारा कुछ हो रहा, सारे देश के लोगों के आधार कार्ड बने हैं, तो फिर आधार कार्ड देश के लोगों को है नहीं, जो मान लो इस पंजाब सरकार को नहीं तो भारत सरकार को सारे है। देखो 2016 के जो हुई सरकार ने उस वेले अपना यतन किया कि दोषियों फड़िया जाए, लेकिन यकदम संगत ने रोह में आके CBI की इनकुआरी मंग ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस वेले जो सहु खा के गुटका साहब जी कहा कि असी तो एक महीने के सारिया बेअदबियां लभ लाँगे, दोषी लभांगे, असी बहुत सारिया गल्लां कही, नशियां के संबंध भी कही, मुलाजमत के संबंध भी कही, लोगों को गुमराह करता। यदा मतलब कि कांग्रेस ने कोई सीरीयसली वो एक्शन नहीं लिया जिहड़ा लैना चाहिए सी, सगों इस समय के दौरान 150 तो वध जिहड़ियां सीगियां वो बेअदबियां हुई। पंजाब दे विच बेअदबी दी घटनावां अकाली सरकार वेले भी हुई, पर हुण घट होण दा नाम नहीं लै रही, बल्कि लगातार वधदियां नज़र आ रही। साडे नाल गलबात करन वास्ते बीबी जगीर कौर ने, SGPC दे प्रधान रहे। बीबी जी, तुसीं प्रधान भी रहे हो, तुसीं कई सारे काम उत्थे कीते SGPC प्रधान रहिंदे होए, पर 2017 दे विच किते ना किते मन्निया जांदा सी अकाली दल दी सरकार गई है तो बेअदबियां जिहड़ियां होईयां वो वड्डा कारण सी, पर हजे भी लगातार वधदियां जा रहियां ने घटनावां, दोषी फड़े नहीं जा रहे, की कारण मंद? देखो 2016 दे विच जदों हुई सरकार ने उस वेले अपना यतन किया कि दोषियों नूं फड़िया जाए, लेकिन यकदम संगतां ने रोह विच आके CBI की इनकुआरी मंग ली। सिट बन गई सी, लेकिन CBI की इनकुआरी मंगी गई, उधरों चोणां डिकलेयर हो गई, बादल साहब ने CBI नूं इनकुआरी देती क्योंकि संगतां दा रोह सी, संगतां मंग करदियां सन। CBI की इनकुआरी हुंदियां नूं उस तों बाद सरकार आ गई 2017 च कांग्रेस की, मानयोग मुख्यमंत्री बन गए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस वेले जो सहु खा के गुटका साहब जी कहा कि असी तो एक महीने के सारिया बेअदबियां लभ लाँगे, दोषी लभांगे, असी बहुत सारिया गल्लां कही, नशियां के संबंध भी कही, मुलाजमत के संबंध भी कही, लोगों को गुमराह करता, मतलब कहने तो भाव कि झूठ बोल के अपनी सरकार बनाई। हुण जिहड़ी वह गल आती है कि जे तुसी सचमुच ही संसीयर सी, सीरीयस सी, तो बेअदबी की घटना उन्होंने सच कढ़ना चाहिए सी, लोगों सामने लियाना चाहिए सी, वो तो होया नहीं। 5 साल हुण तो 5 साल ही बीत चले है, पूरी सियासत ही चली गई। इहदा मतलब कि कांग्रेस ने कोई सीरीयसली वो एक्शन नहीं लिया जिहड़ा लैना चाहिए सी, सगों इस समय के दौरान 150 तो वध जिहड़ियां सीगियां वो बेअदबियां हुई, 150 तो वध। और मैं खास करके जिहड़े पिंडां दीआं बेअदबियां सी वो भी बड़े असीं देखे आ, जिद्दां मैं जौलियां वाला केस देखिया, गुरु ग्रंथ साहब पूरा जला दिता गया, बहुत कुछ किया गया, होर थावां ते भी होईआं। हुण जौलियां वाले केस विच भी मैं आप गई सी ते UAPA तक मैं लगवा के आई कि UAPA लाया जाए बाहर ना आए, अंदर देती असी फड़ाता पुलिस नूं देती। उस तो बाद फतेहगढ़ साहब भी इस तरह की घटना हुई सी, दो थावां दे उत्ते वो भी पुलिस नूं चला गया। उस तो बाद केसगढ़ साहब होया,
केसगढ़ साहब एक मतलब इस तरह की घटना सी कि गुरु ग्रंथ साहब जदों प्रकाश किए तो वह खड़े से सारी संगत उन्हें पिछों सिगरट बाल के तो सुट दिती वह भी दोषी जड़ा सी फड़ के पुलिस को दिता गया। ये हैगी है जी 13 नवंबर की गल 13 सितंबर की गल 13-9 की गल 2021 की हूँ जेडे रोज़ असी फड़ के दोषी जड़े पुलिस को दिते गए एक भी दोषी जड़ा सी सच नहीं कढ़िया गया एक भी घटना का सच नहीं निकलिया। उदों असी ये गल तह तक चल गई सी गल कि भंडारे वाले तक उत्थे तक चल जाती सी गल सच्चे सौदे तक साथ तक जाती सी। मैं सच्चाई दसदी हाँ कि SSP ने दसिया सीगा कि वो जिहड़ी गल सी उत्थे तक पहुँच गई सी पहुँच इदा गई सी कि लड़की उत्थों PhD की उत्थे पढ़ी लड़का 8 पढ़िया सीगा जिहड़ा आया सी उहदे नाल उहने व्याही हुण वो जिहड़ी गल सी जे ये सीरीयस हो के उहनूं देखदे ते जरूर कुछ ना कुछ निकल सकता सी। मैं उदों डेफिनेटली कह सकती हाँ कि जे उन्हूं असी कह सी ब्रेन मैपिंग करा लो तुसीं कहिंदे हो पागल है वो सर्टिफिकेट पेश कर देंदे जी हर व्यक्ति का सर्टिफिकेट ही पेश किया जाता है क्यों पहला बनाया जाता चिंता इस गल की है कि यदा मतलब कि सारे पागलों को गुरु ग्रंथ साहब ही दिसदा है वही सवाल उठ रहे हैं कि सारे गुरुद्वारे साहब जा रहे हैं कोई मंदिरों च जा रहे हैं हाँ मंदिर गुरुद्वारे धार्मिक स्थान ही दिसदे कोई होर नहीं कुछ दिसदा। सो दुख की गल यह है कि 2-2 घंटे रस्तिया च आते हैं फिर 2 घंटे कीर्तन सुनते रहेंगे है फिर जो गुरु साहब आते हैं फिर घटना हो जाती। इस गल नूं छड्डो ब्रेन मैपिंग मंगिया नहीं होया नार्को टेस्ट मंगिया नहीं होया बस जेल च भेज दिता जी जेल च भेज दिता। हुण उस तो बाद 15 दसंबर नूं हो गया कि गुटका साहब कोई बैठा पढ़ रहा सी कीर्तन पाठ करता सी हुण आम तौर दे उत्ते श्री हरिमंदर साहब च बहुत सारी संगतां हुंदियां कोई कितें बह के पाठ करदी कोई कितें पाठ करदी श्रद्धालुओं नूं बहुता डिस्टर्ब नहीं किया जाता क्योंकि हदायतां हुंदियां सेवादारां नूं टास्क फोर्स नूं भी तुसीं ना डिस्टर्ब नहीं किसे नूं करना ध्यान रखना कोई घटना ना वापर जाए कोई गल ना हो। वो पाठ करता करता एकदम उन्हें गुटका साहब पाड़ के पहला पेज से बेस छोड़ दिता नहीं वो तो अंदर की गल नहीं वो फिर टास्क फोर्स जो देखिया तो 5 मिनट उत्थे जाते जाते 5 मिनट फड़ लिया वो भी फड़ के पुलिस को दिता पुलिस ने उन्होंने भी कुछ नहीं किया दूजे दिन उन्होंने जेल च भेज दिता हूँ जा तो इंटेरोगेशन करो पता करो भी कौन है कितों आया बस जी पागल हुण पागल जिहड़ा गुटका साहब लैके उत्थे बैठा पाठ कर रहा है तो पागल किदां हो सकदा उहदी आस्था तो है ना इहदा मतलब लिया के भी मैं गुरु हरिमंदर साहब जी बैठ के पाठ करना। सो उस तो बाद एक घटना वापरी हुण देखो गल ये है कि असी कहने हैं कि बंदे नूं मारना नहीं चाहिए मैं भी इस गल नाल कि बंदे नूं मारना चाहिए क्योंकि कतल नहीं करना चाहिए पर यह कतल नहीं है जदों आस्था का कतल होया हो ना दिल के उत्ते हमला होया हो फिर जरिया नहीं जाता संगतां जिहड़ियां हुण परेशान ही नहीं हो गई दुखी ही नहीं हो गई कि रोज़ एक घटना रोज़ घटना रोज़ घटना कोई उहदा रिजल्ट नहीं कोई सज़ा नहीं किसी नूं कोई दोषी नहीं फड़िया जाता तो फिर जदों इन्नी संगत दे तुहानूं पता उत्थे ते हज़ारां दी गिनती संगतां हुंदियां इन्नी भीड़ इन्नी संगत जदों एकदम सामने दुनिया के सामने वो होया कांड तकलीफ इस गल दी है कि चलो उस वेले फड़िया दोषी नूं मैं तो कहनी ये शुक्र करो गुरु रामदास दे कि सेवादार ने इमीजिएट फड़ के उन्हें बाहर कर दिता उत्थे नहीं कोई घटना ऐसी की देखो कितना जाबता रखिया उन्होंने नहीं तो इन्ने जने सी उत्थे कुट कुट के मार सकते सी पर नहीं गुरु रामदास दे घर विच ओह काम नहीं किया जिहदे नाल साडी होर बेअदबी होवे वो कुछ भी कर सकता सी उहदे नाल बंब भी वज्जा हो सकता सीगा वो ब्लास्ट भी कर सकता सीगा पता भी यही लग रहा है कि इस तरीके मतलब कहने तो भावे वो तो सुसाइडर आया सी ना। सो इस करके ये तकलीफ चिंता का विषय जी बहुत चिंता का विषय कोई समा अज देखो बंब ब्लास्ट हो गया हुण ये कहिंदे सुइसाइड उत्थे होया जे उत्थे कोई आ रहेगा आ सकदा बंब बन के ते जिहड़ा बंदा इन्नी हरकत कर सकदा कि उत्थे भी कुछ कर सकदा सीगा हुण ये चीज़ां दी जिहड़ी है अंदर कॉन्सपिरेसी की है क्यों नहीं पुलिस कॉन्सपिरेसी करदी किहनूं नहीं पता इहदा मतलब ये फेल होगी पुलिस फेल है सरकार फेल है इदां दी कॉन्सपिरेसी तुसीं पहले भी जिक्र के 2016 दे विच भी कीती गई चोणां नेड़े क्यों इदां दी हुंदी है ते नाले दूजी गल पूरे देश दे विच गुरुद्वारे ने क्यों पंजाब नूं चुणिया जांदा है ए टारगेट बस जदों पंजाब दे विच हुंदा क्योंकि हमेशा इत्थे क्योंकि जो पंथक सोच दे लोग है इत्थे श्रोमणी अकाली दल जदों कितें चढ़त विच हुंदा है उदों भी चढ़त विच ही सीगा उदों भी लोग कहिंदे सी तीजी वारी सरकार बननी है चलो असीं ये भी नहीं कहिंदे कि साडी सरकार दी गल है जो कुछ गल राज नहीं है गल साडे साडी आत्मा दे कतल दी है
ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਸਗਾ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਿੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹਿ ਜੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਡੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗਾ ਉਲਟਾ ਸਗਾ ਉਲਟਾ ਸਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆ? ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, IB ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਥਾਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ DCP ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ DCP ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਕਰੇ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਅਕਸਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੰਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ।